हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर इस चैनल पर। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के लिए। क्यों? क्योंकि हम इसमें एग्ज़ाम में कई बार जो पूछे गए क्वेश्चन नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यानों से रिलेटेड या फिर सेंचुरीज और अभयारण्य से रिलेटेड, जो हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये वाला जो नेशनल पार्क है वो किस स्टेट में स्थित है, ये वाला जो बर्ड सेंचुरी है वो किस स्टेट में स्थित है, तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ समझने के लिए, क्योंकि हमारे जो टोटल 103 100 से ऊपर जो है नेशनल पार्क है इंडिया में, तो हम स्टेट वाइज ये समझ लेते हैं ट्रिक के माध्यम से कि कौन से स्टेट में कौन कौन से इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने इंडिया के सारे जो स्टेट हैं उनको कवर करके ये वीडियो बनाया है और उनमें सारे नेशनल पार्क्स को अलग-अलग स्टेट में दिखाया है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों से, जो कि इस वीडियो की शुरुआत के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर हम ये जान लें कि टोटल जो है इंडिया में 103 टोटल 103 नेशनल पार्क हैं जो कि इंडिया के 1.23 ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर टोटल 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इंडिया में, जो कि इंडिया के 3.62 ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करती है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर इसलिए मेंशन कर दी है, ये भी कई बार पूछा गया है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो एक्ट है वो कौन सा है, तो 1972 का जो एक्ट है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का एक्ट है जो कि इंडिया में पूरी तरीके से लागू होता है सिवाय जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू एंड कश्मीर का अपना एक अलग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ कि इन 103 नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क जो हैं वो एमपी में हैं, जो कि 9 हैं। इसके अलावा सेम इसी तरीके से 9 नेशनल पार्क जो हैं वो अंडमान निकोबार में भी हैं, तो 9 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं वो भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इनको बाद में पढ़ सकते हैं, पीडीएफ के माध्यम से जो मैंने यहाँ पर अटैच की हुई है उसमें भी देख सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चीज़ों को इजी बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले स्टेट की तरफ सीधा चलते हैं देर ना करते हुए। पहला स्टेट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, मैंने यहाँ पर रेड जो वर्ड्स में लिखा हुआ है, रेड से जो टैग किया हुआ है, आप समझ जाइएगा कि वो वाले जो नेशनल पार्क हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम यहाँ से जम्मू कश्मीर के पहले नेशनल पार्क की, हमेसाई। हमेसाई याद रख सकते हैं आप, हाईएस्ट जो है जम्मू कश्मीर वो बिल्कुल ऊपर है इंडिया में, तो हाई से आप याद रख सकते हैं कि हमेसाई नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर का है। इससे रिलेटेड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये लद्दाख में उपस्थित है और ये जो वर्ल्ड का है वो हाईएस्ट है। हाईएस्ट का मतलब जो है सी लेवल से वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है और साउथ एशिया का लार्जेस्ट, एरिया की टर्म्स में अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट है ये साउथ एशिया में, और ये स्नो लेपर्ड्स के लिए यहाँ पर मशहूर है, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा यहाँ का मशहूर नेशनल पार्क है वो है किश्तवाड़। किश्तवाड़ आप याद रख सकते हैं क्योंकि कश्मीर में किश्तों में वार चलता रहता है, तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। और इस वार की वजह से क्योंकि जवान बहुत शहीद होते हैं, वहाँ पर गम का माहौल रहता है, तो दचीगम जो नेशनल पार्क है वो भी जम्मू कश्मीर में उपस्थित है। और ये दचीगम नेशनल पार्क जो है कश्मीरी स्टेग या फिर हंगुल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, तो आप याद रखिएगा कि हंगुल जो है वो दचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में फेमस है। जो लास्ट यहाँ का नेशनल पार्क है वो है सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली जो है वो सेंचुरीज से बर्ड्स के बहुत ही रिसर्चर थे, बहुत ही बड़े रिसर्चर थे, तो उनके नाम पर ये नेशनल पार्क है। नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पर मार्क किए हैं, सबसे पहला जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पर एनलिस्ट किया गया है, तो आप याद रखेंगे कि हिमालयन से हिमाचल प्रदेश, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने की वजह से। इसके अलावा जो चार और यहाँ के नेशनल पार्क हैं वो है इंदर किला, खिरगंगा, पेंत घाटी और सिंबलबारा। इसको याद रखने के लिए आप याद रखिएगा कि जो आपका सिम की पिन होती है, जैसे आप सिम निकालते हैं आजकल के मोबाइल में, वो आपकी खो गई, तो आपने इंदर से पूछा कि इंदर, आपने पूछा किसे, इंदर से ये पूछा कि इंदर कहीं आपने पिन देखी है सिम निकालने वाली,
इंदर से पूछा कहीं आपने पिन देखी है सिम निकालने वाली। तो आपको याद रहेंगे कि हिमाचल प्रदेश के जो 4 नेशनल पार्क है वो इंदर किला नेशनल पार्क, खिरगंगा, पिन घाटी और सिंबल बारा नेशनल पार्क। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेट है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। जिम कार्बेट नेशनल पार्क इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है जो कि प्रीवियसली हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, जो कि 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, पर इसके बाद इसका नाम बदल के जिम कार्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया और ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो भी यहीं से उसकी शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड में उपस्थित है और उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा नेशनल पार्क है राजाजी नेशनल पार्क और ये राजगोपालचारी जी का जो नाम था उसके नाम पर रखा गया था, जो कि इंडिया के पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर थे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर नंदा देवी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी नेशनल पार्क है और गोविंद पशु विहार भी उत्तराखंड में उपस्थित है। नंदा देवी, गंगोत्री और वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो उत्तराखंड में है तो उनके नाम से ही ये नेशनल पार्क है और गोविंद पशु विहार जो है वो आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड में उपस्थित है। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर जिम कार्बेट और राजाजी नेशनल पार्क को आप याद रखिएगा। नंदा देवी भी इंपॉर्टेंट है तो आप इन तीनों को ज़रूर याद रखिएगा कि ये तीनों उत्तराखंड में है। नेक्स्ट स्टेट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो है वो दुधवा नेशनल पार्क बहुत ही प्रसिद्ध है और दुधवा नेशनल पार्क जो है वो लखीमपुर खीरी में है और आप याद रखिएगा कि ये यूपी में उपस्थित है। इसके अलावा दूसरा जो है यहाँ पर वो चंद्रप्रभा सेंचुरी भी जो है वो यूपी में है और वो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ के एशियाटिक लाइंस जो है वो फेमस हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप। उत्तर प्रदेश से दूसरी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारा हरियाणा। हरियाणा में दो हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप याद रखिएगा कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालीसर नेशनल पार्क हरियाणा में उपस्थित है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है फिर भी आप याद रखिएगा कि ये दो नेशनल पार्क जो है वो हरियाणा के हैं। नेक्स्ट राजस्थान की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और जो पहला यहाँ पर हमने यहाँ पर रेड से मार्क किया गया जो कि इंपॉर्टेंट है, केवलादेव नेशनल पार्क या घाना बर्ड सेंचुरी, ये भरतपुर में है जिसको ईस्टर्न गेट ऑफ राजस्थान भी कहते हैं भरतपुर को, ये वहाँ पर उपस्थित है और ये यूनेस्को द्वारा एनलिस्ट किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा केवलादेव नेशनल पार्क। इसके अलावा डेजर्ट नेशनल पार्क या फिर मरुस्थलीय भी कहते हैं इसको, क्योंकि डेजर्ट जो है वो राजस्थान में है तो आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा रणथंबोर और सरिस्का, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं याद रखिएगा, क्योंकि ये बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर रिजर्व हैं ये, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं इस वजह से, रणथंबोर और सरिस्का नेशनल पार्क। इसके अलावा आप जानते हैं क्योंकि माउंट आबू जो है वो राजस्थान में ही है तो माउंट आबू वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी राजस्थान में उपस्थित है। नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारा गुजरात और यहाँ का जो पहला नेशनल पार्क यहाँ पर मार्क किया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क जो कि जूनागढ़ में उपस्थित है, क्यों फेमस है, क्योंकि ये एशियाटिक लायंस का अकेला मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी एशियाटिक लायंस जो है वो गिर नेशनल पार्क में मिलते हैं, इसलिए ये गुजरात का बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। इसके अलावा मरीन नेशनल पार्क भी फेमस है, वो इसलिए फेमस है क्योंकि ये कोस्टल एरिया गल्फ ऑफ कच्छ में उपस्थित है। कच्छ आप याद रखिएगा बहुत ही बड़ा और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो याद रखिएगा गल्फ ऑफ कच्छ में कोस्टल एरिया में दो ही नेशनल पार्क हैं, उनमें से एक जो है वो मरीन नेशनल पार्क है। वाइल्ड एस सेंचुरी भी यहाँ की फेमस है, किसकी वजह से फेमस है, वाइल्ड एस की वजह से, जो कि आप नाम में ही पढ़ सकते हैं। कहाँ पर उपस्थित है ये, लिटिल रन ऑफ कच्छ में जो है ये उपस्थित है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है ब्लैक बक नेशनल पार्क, और ब्लैक बक के लिए मशहूर है इसलिए ये ब्लैक बक नेशनल पार्क जो कि वेलवदर भावनगर में उपस्थित है गुजरात के, ये भी गुजरात के कुछ फेमस नेशनल पार्क में से एक है। नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा मध्य प्रदेश। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, ट्रिक को हमें ध्यान रखिएगा क्योंकि कई सारे नेशनल पार्क हैं, आपको याद रखने में परेशानी होगी तो मैं याद करा देता हूं आपको कि कान्हा नेशनल पार्क जो है वो यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि मंडला और बालाघाट में उपस्थित है और ये मैमल्स और रॉयल बंगाल टाइगर, मैमल्स मतलब स्तनधारी और बंगाल के जो शेर हैं उनके लिए बहुत ही मशहूर है कान्हा नेशनल पार्क। इसके अलावा माधव नेशनल पार्क जो कि शिवपुरी में उपस्थित है, याद रख सकते हैं आप मध्य प्रदेश माधव दोनों सिमिलर से हैं, माधव नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है, शिवपुरी मध्य प्रदेश में उपस्थित है। बांधवगढ़, जैसे माधव बांधव
तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है, जो कि वाइट टाइगर के लिए, सफ़ेद जो चीते होते हैं उनके लिए बहुत ही मशहूर है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी एमपी में उपस्थित है। नेक्स्ट है हमारा पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क भी, क्योंकि पन्ना जो है एमपी में है इसलिए फेमस है, और इसकी एक और वजह है बेस्ट मेंटेन्ड टूरिस्ट फ्रेंडली नेशनल पार्क बाई मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो टूरिस्ट मिनिस्ट्री है उसकी उसने ये टैग दिया था पन्ना नेशनल पार्क को, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार, इंदिरा प्रियदर्शनी पीच, और इंदिरा जी के जो पुत्र थे संजय, संजय नेशनल पार्क भी यहाँ पर उपस्थित है। इसके अलावा मंडला प्लांट फॉसिल्स, एमपी, एमपीएफ से आप याद रख सकते हैं, एमपी मतलब मंडला प्लांट और एमपी मतलब मध्य प्रदेश, तो मंडला प्लांट फॉसिल्स भी मध्य प्रदेश में उपस्थित हैं। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा 9 नेशनल पार्क एमपी में उपस्थित हैं, जिनमें से मेन ये रेड से मार्क किए हुए हैं, इनको आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को भी हम इसलिए याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, उसकी इम्पोर्टेंस भी बताते हैं। पहला यहाँ पर संजय गांधी, जैसा आपने एमपी में देखा था संजय नेशनल पार्क था, यहाँ पर संजय गांधी नेशनल पार्क है जो कि मुंबई में उपस्थित है, और मुंबई से आप नवी मुंबई जानते होंगे, नवी से आप याद रखिएगा कि नवेगांव जो नेशनल पार्क है वो भी महाराष्ट्र में उपस्थित है। चंदौली, चंदौली नेशनल पार्क भी यहाँ पर उपस्थित है, आप यूपी के चंद्रप्रभा से आप इसको मत भूल जाइएगा क्योंकि वो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में जो है उपस्थित है, ये चंदौली नेशनल पार्क है जो कि महाराष्ट्र में है। तदोबा नेशनल पार्क जो कि टाइगर रिजर्व है, बाघों के संरक्षण के लिए फेमस है, वो भी महाराष्ट्र में उपस्थित है। पेंच नेशनल पार्क, यहाँ का सबसे फेमस जो है वो पेंच नेशनल पार्क है जो कि एमपी और महाराष्ट्र दोनों में आता है, दोनों मतलब बॉर्डर पर है ये, तो दोनों कवर करते हैं इसको। तो ये जो है इसलिए फेमस है क्योंकि जंगल बुक का जो मोगली कैरेक्टर था, जो कि रुडियार्ड किपलिंग की जो जंगल बुक थी जिन्होंने लिखी थी, वो इसी की इंस्पिरेशन पर बनी हुई थी। तो पेंच नेशनल पार्क जो है वो जंगल बुक, मोगली से उसका लेना देना है, और ये महाराष्ट्र में उपस्थित है। नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेट है हमारा कर्नाटका। कर्नाटका में दो फेमस नेशनल पार्क हैं, उनमें से नागरहोल जो कि राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, और बांदीपुर नेशनल पार्क, इसको याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो मैसूर में है और वो टाइगर और एलिफेंट्स के लिए यहाँ पर बहुत ही मशहूर है, बांदीपुर नेशनल पार्क। इसके अलावा बैनरघट्टा नेशनल पार्क भी कर्नाटक में उपस्थित है। नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेट है हमारा केरला। केरला की बात कर लेते हैं, केरला में भी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो आपको याद रखने हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अन्नामुदीशोला नेशनल पार्क केरला में याद रख सकते हैं आप, नाम से ही आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा अन्नामुदीशोला। पेरियार नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप, ये एलिफेंट्स के लिए बहुत ही फेमस है। पेरियार नेशनल पार्क जो है वो केरला में उपस्थित है। साइलेंट वैली जो है वो भी नेशनल पार्क जो है वो केरला में है। केरला का जो माहौल है वो बहुत ही शांत है, वहाँ पर वन और बहुत ही अच्छा ग्रीनरी है, जो कि साइलेंस जो एक साइलेंट वैली से आप उसको याद रख सकते हैं, वो केरला में उपस्थित है। इसके अलावा इराविकुलम नेशनल पार्क भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह ये है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को द्वारा इसको एनलिस्ट किया गया है, और ये मुन्नार में सिचुएटेड है, मुन्नार में उपस्थित है केरला के। तो याद रखिएगा पेरियार और इराविकुलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है केरला के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट स्टेट हमारा गोवा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर महावीर और मोलम, जैसे कि आप जानते थे गोवा के अभी दिवंगत हुए हैं बहुत ही हमारे वीर जो मुख्यमंत्री थे यहाँ के, मनोहर पर्रिकर जी, मनोहर से आप याद रख सकते हैं, एम से महावीर, और मोलम जो हैं वो गोवा के नेशनल पार्क हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेट है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में दो जो हैं वो फेमस हैं दोनों, याद रखिएगा आप, गल्फ ऑफ मन्नार, मैंने आपको बताया था दो ही कोस्टल एरिया में है, एक गुजरात में मैंने आपको बताया था मरीन नेशनल पार्क, और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क जो है वो भी कोस्टल एरिया में है, तो तमिलनाडु का याद रखिएगा, इस वजह से ये पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। मुदुमलाई नेशनल पार्क जो कि नीलगिरी हिल्स पर जो है उपस्थित है, वो भी तमिलनाडु के नाम से, तमिलनाडु के स्टेट की वजह से फेमस है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा जो है नेशनल पार्क है, तो एक सिंगल है, बहुत ज़्यादा आपको याद रखने में परेशानी नहीं होगी। आंध्र प्रदेश से आगे बढ़ते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, महावीर और पखाला महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क है। इसके अलावा पखाला वर्ल्ड सेंचुरी है जो कि वारंगल में उपस्थित है। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेट से,
देखते हैं, नेक्स्ट स्टेट है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। सिम्पलीपाल नेशनल पार्क जो है वो उड़ीसा का है, और इसके अलावा भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है वो भी बहुत फेमस है। फेमस है वो मैंग्रोव्स और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की वजह से। ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और मैंग्रोव्स जो है वो भीतरकनिका के बहुत ही फेमस जो है प्रजातियां हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। सिम्पलीपाल को ज़रूर याद रखिएगा कि सिम्पलीपाल नेशनल पार्क जो है वो उड़ीसा में है। नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेट है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नेशनल पार्क, आप जानते हैं जबकि बस्तर दंतेवाड़ा जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क भी छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में उपस्थित हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम थोड़ा ईस्टर्न रीजन पर। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले नेशनल पार्क आपको मिलेंगे, तो आप इनको याद रखिएगा, वन बाई वन मैं बता देता हूँ। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो कि गोलाघाट में उपस्थित है। सिक्किम कंचनजंगा, कंचनजंगा की पहाड़ी जो है उससे याद रखिएगा कि वो सिक्किम में उसके नाम से ही नेशनल पार्क है। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश में ये भी बहुत फेमस है, याद रखिएगा नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में उपस्थित है। क्यों फेमस है? क्योंकि फ्लाइंग स्क्वायरल वहाँ पर मिलती हैं, उनकी वजह से नामदफा अरुणाचल प्रदेश का जाना माना नेशनल पार्क है। नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं जिससे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको नेशनल पार्क मिलने वाले हैं, और आप याद रखिएगा इनको। कांजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा फेमस नेशनल पार्क है, वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर वन हॉर्न्ड रिनोसेरोस, एक जिसके सींग होता है वो गैंडा जो है यहाँ पर पाया जाता है, और कहा जाता है कि 2/3 जितने वर्ल्ड में हैं उनके 2/3 जो है वो कांजीरंगा नेशनल पार्क में उपस्थित हैं, और इसी वजह से इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है एनलिस्ट किया गया है, तो याद ज़रूर रखिएगा। मानस नेशनल पार्क भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम इसको दिया गया है, और ये टाइगर और एलिफेंट रिजर्व है, ये बाघों और हाथियों के संरक्षण के लिए है, और यहाँ पर वाइल्ड बिसोन जो कि जंगली भैंसा, रेड पांडा, गोल्डन लंगूर जो है वो यहाँ की फेमस प्रजातियाँ हैं, फेमस एनिमल्स हैं जो यहाँ पर मिलते हैं। तो असम का आप ज़रूर याद रखिएगा, कांजीरंगा और मानस नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नमेरी नेशनल पार्क भी असम में उपस्थित है। नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेट हमने यहाँ पर दो लिए हुए हैं, नागालैंड और त्रिपुरा। नागालैंड में जो है इकटांगकी नेशनल पार्क है, इसके अलावा त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है। ये दोनों में एक एक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखिएगा कि नागालैंड और त्रिपुरा में ये दोनों नेशनल पार्क मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा मणिपुर है, यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो है बहुत ही फेमस है यहाँ का। ये लोकटक लेक है, लोकटक झील है वहाँ पर, फ्रेश वाटर की, मीठे पानी की एक झील है, इस पर ही उपस्थित है, वो यहीं पर कवर करता है, और ये दुनिया का अकेला फ्लोटिंग पार्क है जो कि इंडिया में उपस्थित है, इंडिया के मणिपुर में केबुल लमजाओ नाम से ये फेमस है, और डांसिंग डियर्स या फिर संगाई भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा सिरोही नेशनल पार्क भी मणिपुर में है, पर केबुल लमजाओ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट मेघालय की बात करते हैं, मेघालय में बलफक्रम और नोकरेक नेशनल पार्क है। नोकरेक नेशनल पार्क जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरी चीज़ आ जाती है, वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में एनलिस्ट किया गया है। तो नोकरेक और बलफक्रम जो है मेघालय के नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम बिहार और वेस्ट बंगाल की एक बार में बात कर लेते हैं। तो बिहार की बात करें, अगर मैं आगे ले जाता हूँ इसको, बिहार में जो आपका नेशनल पार्क है वो वाल्मीकि, बी फॉर बिहार, बी फॉर वाल्मीकि, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है, याद रख सकते हैं बहुत आसानी से। पर वेस्ट बंगाल को ज़रूर याद रखिएगा कि सुंदरबन नेशनल पार्क जो है, जो कि एनलिस्ट किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा, जो कि टाइगर रिजर्व है और फेमस है बंगाल टाइगर्स के लिए, बंगाल में उपस्थित है, तो बंगाल टाइगर्स यहाँ के बहुत ही फेमस प्रजाति हैं, फेमस एनिमल्स हैं, तो वेस्ट बंगाल का सुंदरबन याद रखिएगा। बक्सा नेशनल पार्क जो है वो भी वेस्ट बंगाल में आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये हमारा झारखंड है। झारखंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेतला नेशनल पार्क, और ये फॉरेस्ट आउलेट्स, स्लोथ बेयर और बिसोन के लिए बहुत ही फेमस है। बेतला नेशनल पार्क याद रखिएगा झारखंड में उपस्थित है। इसके अलावा हजारीबाग और पालामऊ नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व जो है वो भी झारखंड में उपस्थित है। लास्ट हम अपनी स्लाइड की तरफ बढ़ चुके हैं जो कि है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का सेडल पीक नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क जो कि वंदूर में उपस्थित है, इसके अलावा नॉर्थ बटन
मिडिल बटन और साउथ बटन आइलैंड भी अंडमान निकोबार में उपस्थित हैं, ये नेशनल पार्क हैं। और साउथ बटन नेशनल पार्क जो है आइलैंड जो है वो इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि इंडिया का सबसे छोटा जो है वो कौन से स्टेट में है, कहाँ पर है या क्या नाम है, तो आप याद रखिएगा वो अंडमान निकोबार में है। ये मैंने पहले बता दिया था कि अंडमान निकोबार में मध्य प्रदेश की तरह 9 नेशनल पार्क जो है यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इस तरीके से हमने सारे स्टेट अगर आप मैप देखेंगे तो उनको कवर कर लिया है, उनकी समरी आपको PDF में मिल जाएगी। इसके अलावा जो चीज़ यहाँ पर और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें, तो जो प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया हैं उनको 4 पार्ट में बांटा गया है। उनमें से नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स होते हैं और कम्युनिटी रिजर्व्स होते हैं। ये मैं बता चुका हूँ कि नेशनल पार्क 103 हैं, 1.23 एरिया को कवर करते हैं, 543 बर्ड सेंचुरीज हैं, 3.62 ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं। कंजर्वेटिव रिजर्व्स क्या होते हैं, जो बफर जोन होते हैं जो कि नेशनल पार्क और वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज के बीच में होते हैं, वो भी कंजर्वेशन रिजर्व कहलाते हैं और वो 0.08 ज्योग्राफिकल एरिया में फैले हुए हैं। कम्युनिटी रिजर्व भी सेम है, सिमिलर है, 0.002 ज्योग्राफिकल एरिया में ये फैले हुए हैं। इनको बोलते हैं प्रोटेक्टिव एरियाज ऑफ इंडिया, उन्हीं में नेशनल पार्क एक कैटेगरी है। तो हमने नेशनल पार्क कवर कर लिए हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को मेक इट ईजी को यहाँ पर एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोज़ यहाँ पर पहले भी अपलोड किए गए हैं और आपको मिल भी जाएंगे। तो आई बटन पर आप ऐसे और सारे वीडियोस को देख सकते हैं। साइंस, जनरल साइंस और जीके के लिए ये चैनल आपको हेल्प करने में प्रगतिशील है। आप इसको अपना कर, इसको सब्सक्राइब करके हमें आशीर्वाद अपना और अपना साथ ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।